भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान को लेकर मालदीव पहले ही भारत से तल्खी मोल ले चुका है। ऐसे में मोदी से तकरार के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइजुका जिनपिंग से प्यार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को रास नहीं आ रहा। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुका चीन प्रेम कोई नई बात नहीं है। मालदीव में चुनाव के समय से ही दुनिया मुइजुका जिनपिंग प्रेम को देखती आ रही है। ऐसे में भारत मालदीव विवाद के बीच 9 जनवरी को चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति ने चीनी दक्षिणी बंदरगाह शहर में इन्वेस्ट मालदीव फोरम में हिस्सा लिया और वहां के स्थानीय अफसरों से मुलाकात की। फ्लैशबैक में अगर जाएं तो हाल ही में नवंबर के महीने में मालदीव में चुनाव हुए। मालदीव की नीति हमेशा से इंडिया फर्स्ट की रही, मगर मुइजु ने इंडिया आउट का नारा दिया। इसी कैंपेन के सहारे जीत हासिल करने के बाद मुइजु राष्ट्रपति बने। उसके बाद से अब तक उनकी सरकार ने दर्जनों स्थानीय आधारित भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव छोड़ने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, भारत को साफ तौर पर अपमानित करते हुए मुइजु ने अपने देश की परंपरा को तोड़ते हुए भारत की यात्रा करने से पहले इस सप्ताह चीन की यात्रा की। उधर चीन पहले ही मालदीव में अपनी उपस्थिति बना चुका है। व्यापार और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के निर्माण के उद्देश्य से शी की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन ने माले में वेलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करने में मदद की है और क्रॉस सी चीन मालदीव जैसी मैत्री पुल का निर्माण भी किया है। मुइजु भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार मालदीव में केंद्रीय हवाई अड्डे और वाणिज्य बंदरगाह के विस्तार सहित बेल्ट एंड रोड के तहत साझेदारी तलाशने की इच्छुक है। पिछले साल चीन नेशनल मशीनरी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने मालदीव के पर्यटन क्षेत्र में $140 मिलियन का निवेश तक किया, जो मालदीव की राष्ट्रीय आय का 1/4 से भी ज्यादा है।